काल्पनिक है। यह वीडियो किसी भी समुदाय, समाज, स्ट्रीम, फील्ड की इंसल्ट नहीं करता। यह सिर्फ मनोरंजन पर्पस के लिए है। इसे कृपया करके सीरियसली ना लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू। वार्निंग, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। उनके कुछ पुराने इंटरव्यू और ट्वीट से एक रीजन क्लियर हुआ है, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। जिसके चलते हमने अपने टैलेंटेड एक्टर को खो दिया। ये बिक गया सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब भैनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, माता चोद के बच्चे। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं गान फटी। स्टार किड्स को घटिया फिल्मों में घटिया एक्टिंग करने के लिए ज्यादा अवार्ड मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ मास्टरपीस मूवी और टैलेंटेड एक्टर्स को नॉमिनेट भी नहीं किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने घटिया लोग हैं। सुशांत राजपूत की सुसाइड के बाद घड़ियाली आंसू बहाने आ गए। अच्छा, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको आपको इस सब्जेक्ट क्यों प्यार है? मुझे ये सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, किसी और को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। सुनी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी। पृथ्वीराज चौहान। ये देखो हमारे स्टार किड को, जिन्हें अपने देश के प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पता है। अबे चिमकांडियों, ये पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता है। रुको जरा, सबर करो। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी कंगना दीदी बड़ी धाकड़ है, जो खुल के नेपोटिज्म का विरोध करती हैं। That's my position, रणवीर। हाँ करण जौहर, ये आपकी ही पोजीशन है। मैरी रणवीर, किल सुशांत। जब इसकी 10 की एग्जाम हुई होगी ना, तब इसने 10 में से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होगा, और यहाँ ये 10 में से 11 क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। ये टैलेंटेड लड़की जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। विराट कोहली हॉट, इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत ये वीडियो देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये मोहतरमा जिन्होंने अपने पूरे करियर में जितनी एक्टिंग नहीं की होगी, उतना इसने करण जौहर की एक शो में कर दी। साला मूवी में तुमसे एक्टिंग हो या ना हो, बट शो पे जरूर करना है। शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक? मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute! It's my talent. आपने देखा, ये हमारे स्टार किड्स का टैलेंट। 5 minutes later. मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा उड़ाता पतंग, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम कोई। Have to pretend to like is your show. I am the one, the one your son don't need. Lagi. Aage swad. Karan Johar. Mithai ki dukaan pe leke jaunga 200 mein picture. Music. Oh,
एक्शन। Like, you know, मैंने कोई करता धरता नहीं, कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द फक आई वांट। पहले पब्लिक के सिनेमा और टीवी के अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं था, बट अब नेटफ्लिक्स, ओटीटी, अमेज़न अच्छी से अच्छी वेब सीरीज ला रहे हैं हमें एंटरटेन करने के लिए। पहले बॉयकॉट बॉलीवुड पॉसिबल नहीं था, बट आज के डेट में ये पॉसिबल है। इसलिए नेपोटिज्म के सिमकांडियों सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।